स्तेफनुस और फिलिप्पुस। पहले मसीह अगुवन के बीच में स्तेफनुस नाम का एक आदमी रहा। सभी लोग वही का आदर करते। पवित्र आत्मा ने वही का बहुत सामर्थ और ज्ञान दई दीन तय। स्तेफनुस ने बहुत से चमत्कार कीन तय। जब वह यीशु पर विश्वास करें के बारे में लोगन का शिक्षा दीन तो बहुत से लोग वही पर विश्वास कीन। एक दिन स्तेफनुस यीशु के बारे में शिक्षा दई रहो तय और कुछ ऐसे यहूदी आए जौन यीशु पर विश्वास न कीन तय और वही के साथ है वाद विवाद करब शुरू कर दीन। वही बहुत क्रोधित हुए गए। यही खातिर वही धार्मिक अगुवन के नेरे गए और वही के बारे में झूठ बोले। वही कहें हमने स्तेफनुस का मूसा और परमेश्वर के बारे में बुरी बातें बोलत सुनो। यही खातिर धार्मिक अगुवन ने स्तेफनुस का गिरफ्तार कर लीनन और वही का महायाजक और यहूदियन के दूसरे अगुवन के आगे लेके आए और भी झूठे गवाह आए और वही स्तेफनुस के बारे में झूठ बोले। महायाजक ने स्तेफनुस से पूछिस का ई लोग तोरे बारे में सही कहत। स्तेफनुस ने महायाजक का उत्तर दें के खातिर बहुत सी बातन का बोलब शुरू कर दीन। वह कहिस कि अब्राहम के समय से यीशु के समय तक परमेश्वर ने इज़राइल के लोगन के खातिर बहुत से अनोखे काम कीन, लेकिन लोगन ने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का ना माने। स्तेफनुस कहिस तुम लोग परमेश्वर के खिलाफ हठीले और बलवा करें वाले हो। तुमने हमेशा पवित्र आत्मा का अस्वीकार कीन हो, जैसा कि हमारे पुरखन ने हमेशा पवित्र आत्मा का स्वीकार ना कीन था और हमेशा वह के संदेश बतावे वालन का मार डारे। लेकिन जो नु कीन थे वह की तुलना में तुम और भी बुरा कीन हो, तुम मसीह का मार डारो हो। जब वही धार्मिक अगुवन ने यह सुनो तो वही इतने क्रोधित हुई गए कि वही अपने कानन का बंद कर लेनन और ऊंची आज में चिल्लाई। वही स्तेफनुस का घसीट के नगर के बाहर लगे और वही पर मार डारे के खातिर पथरा मारे। जब स्तेफनुस मर रहा होता है वह पुकार उठो हे ईश मोरी आत्मा का स्वीकार। तब वह अपने घुटनन पर गिर पड़ो और फिर से पुकार उठो हे प्रभु यह पाप उन्हीं पर ना लगाए। तब वह मर गया। वह दिन यरूशलेम में रहने वाले बहुत से लोगन ने यीशु पर विश्वास करने वाले लोगन का सताव शुरू कर दीने। यही खातिर विश्वासी लोग दूसरी जगहन का भाग गए, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ कहूँ भी वहीं गए वहीं यीशु के बारे में प्रचार कीने। फिलिप्पुस नाम का यीशु का एक विश्वासी रहा, जैसा कि अन्य बहुत से विश्वासियों ने कीनत। वह भी यरूशलेम से भाग गया। वह समरिया के देश में चलोगा। वहाँ वह लोगन माँ यीशु के बारे में प्रचार कीनस। बहुत से लोगन ने वही माँ विश्वास कीनन और उद्धार पाइन। एक दिन फिलिप्पुस के नेरे परमेश्वर की तरफ से एक स्वर्गदूत आओ और वही से जंगल में जाए के खातिर और एक सड़क में चलने के खातिर कहिस। फिलिप्पुस वहाँ चलोगा। जब वह वही सड़क पर चल रहोता है तो वह एक आदमी का अपने रथ में जात दिखिस। यह आदमी कूश देश का एक महत्वपूर्ण अधिकारी रहा। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहिस कि जाए के वह आदमी से बातें कर। यही खातिर फिलिप्पुस रथ के नेरेगा। वह सुनेस कि कूशी परमेश्वर के वचन का पढ़ रहोत है जौन यशाया संदेश बतावे वाले ने लिखोत है वह वही पढ़ रहोत है। वह पढ़ रहोत है कि वही वही का वध कीन जा वाले मेमना की तरह लगे और जैसा एक मेमना शांत हुआ है वह भी एक शब्द ना कहिस। वही वही के साथ है अनुचित व्यवहार कीनन और वही का आदर ना कीनन। वही वही के जान ले लेनन। फिलिप्पुस ने वह कुशी आदमी से पूछिस जौन ते पढ़ रहो है का ते वही का समझत है। वह कुशी आदमी ने उत्तर दीनेस नहीं, जब तक कोनो यही का मुही का ना समझाई तब तक मैं यही का ना समझ सकी हूँ। कृपा करके मोरे नेरे आए कह बैठ जा। यशायाह या अपने बारे में लिख रहो तय या कोनो और के। फिलिप्पुस रथ में चढ़ के बैठ गया। तब वही ने वह कुशी आदमी का वह बताइस जौन यशायाह ने यीशु के बारे में लिखो तय। फिलिप्पुस ने परमेश्वर के वचन से बहुत से दूसरे भागन का भी चर्चा की। इन तरह से वही ने वह आदमी का यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाइस।
फिलिप्पुस और वह कूशी आदमी यात्रा करत पानी के नेरे आगे। वह कूशी आदमी ने कहो, देख यहाँ पानी, का मैं बपतिस्मा ले सकत हूँ? और वह सारथी से रथ का रोके के खातिर कहे। अता हुई पानी में उतर गए और फिलिप्पुस ने वह कूशी आदमी का बपतिस्मा देने। जब वही पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा अचानक ही फिलिप्पुस का उठा गए कौनो दूसरी जगह में ले गया। वहाँ फिलिप्पुस ने लोगन को यीशु के बारे में बताव जारी रखे। वह कूशी आदमी अपने घर की यात्रा पर आगे बढ़ गया। वह खुश रहा कि वह अब यीशु का जानत। प्रेरितों के काम अध्याय 6 के 8 वचन से अध्याय 8 के 5 वचन तक, अध्याय 8 के 26 से 40 वचन से बाइबिल का एक कथा।